देखिए, आज के इस नए दौर ऑफ एंटरटेनमेंट में यूट्यूबर होना, स्टैंड अप कॉमेडियन होना और इन्फ्लुएंसर होना कितना फैशनेबल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये उतना ही हार्ड वर्क है। और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आंचल अग्रवाल जी। हाँ, इनके साथ हमने एक डे आउट किया और वो बताएंगी कि इस नए दौर में, खासकर अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं, तो आसान है क्या? भैया, आज का दिन तो बहुत ही भयंकर रहेगा। ये SBS ओरिजिनल वाले क्या है, अपने घर आए थे, इनने किया कि तुम्हारा क्या इंटरव्यू लेंगे। अब अपने को क्या अनुपमा अनुका नीनी करके स्टार का एक शो करती थी, आई थिंक 2019 में। तो तब मेरे मम्मी पापा की वो इच्छा पूरी हो गई कि चलो बच्चे टीवी पे आ गए। गोपी उठो, उठो और मेरे लिए ग्रीन टी बनाओ। गोपी, गोपी लेटी हुई है कोमा में मस्त। ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना, हिंदी में एक गाली सुना दी ना तो सारा खानदान कब्र से निकल आएगा। माला चिल्ला मत चुड़ैल, प्यार करती हो मुझसे, खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हो, रब से भी ज्यादा। नमस्ते, मैं हूं आंचल अग्रवाल और मैं आज SBS ओरिजिनल्स को अपने घर का टूर देने वाली हूं और अपनी कॉमेडी की प्रोसेस भी शेयर करने वाली हूं। तो आइए बताती हूं मैं आपको अपना घर। ये रहा हमारा लिविंग रूम। यहाँ हमने सोचा था जब घर बनाया था तो यहाँ बैठ के बड़ी पिक्चर देखा करेंगे, रिक्लाइनर वगैरह लगाए हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता यार, सब अपने रूम में ही पड़े रहते हैं, वहीं पिक्चरें देखते रहते हैं। तो ये हमारा लिविंग रूम है जो इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे हम काफ़ी समय व्यतीत करते तो ये भी, इसको भी हम बंजर कर देते, पर यहाँ कोई बैठता ही नहीं है इसलिए सुरक्षित है। और ये सामने कांच है, इंसान को अपनी शक्ल हर वक्त देखते रहनी चाहिए, खासकर सुंदर लोगों को मेरी तरह। बाकी ये है मेरा ऑफिस, ये मैं तुम लोगों को दिखा सकती हूँ क्योंकि ऐसा मतलब कुछ छुपाने उपाने का है नहीं, काम धंधा अपने पास है नहीं, तो तुम क्या ही ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स देख लोगे। तो ये आ जाओ, यहाँ देख लो, ये मेरा बोर्ड है जिस पे मैं काम की प्लानिंग करती रहती हूँ, उन काम की प्लानिंग जो मैं कभी नहीं करती। देखो, घर में सुंदर चेहरे हमेशा रहने चाहिए, इसीलिए राजेश खन्ना जी और धर्मेंद्र जी, आप देखो आजकल के ज़मानों के लड़कों में वो बात नहीं है, तो पुराने लोगों पे हम अपना क्रश बनाए रखे हैं। ये है हमारा किचन। ये अब सारी जगह मैंने दुनिया में जो जो घूमी है, मुझे दिस इज़ माई हॉबी टू कलेक्ट ऑल मैगनेट्स फ्रॉम जितनी भी जगह मैंने विजिट की उनकी। इसमें से एक दो जगह मैं नहीं गई हूँ, ले मैं नहीं गई हूँ, सिंगापुर मैं नहीं गई हूँ, दोस्त लोग लेकर आए हैं, टर्की भी नहीं गई मैं, बाकी सारी जगह मैं गई हूँ। तो वहाँ से हर जगह से मैगनेट खरीदा है क्योंकि सबसे सस्ता आइटम होता है। किचन में हमारे पता नहीं क्यों कढ़ाई के अंदर कुकर का ढक्कन बॉयल हो रहा है, तो ये आप घर के, ये जो मिडिल क्लास वाले घर के ये राज है ये कि गंदा हो गया आपका कुकर का ढक्कन, तो आप उसको पानी में डाल के कढ़ाई में बॉईल कर लीजिए। मुझे एक्चुअली सब कुछ बनाना आता है, मैं बातें बहुत अच्छी बना सकती हूँ और मैं खाना भी बहुत अच्छा बना सकती हूँ। देखो, मैं ना एक मारवाड़ी भरे पूरे मारवाड़ी खानदान की बच्ची हूँ, तो मैंने ना बात करना चलना फिरना बाद में सीखा था, पहले मैंने पराठे सेकना सीखे। हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्या खाना है। देखो, अब मांस वास तो आप उतार नहीं सकते खाने के लिए, तो मैं पैक करके दे देती हूँ। सेलिब्रिटीज लोगों का सही है ना, पूरे जमाने भर में शूट्स, कॉन्सर्ट्स, पार्टीज, शादियां, हॉलीडे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सब करके आते हैं, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिर हमको कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, घर पे बैठिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। अच्छा बेटा, मतलब हम जो है अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर घर पे बैठे मास्क पहन के और आपका ज्ञान जो है वो कंज्यूम करके अपना जीवन गुजारे, मगर आप जो है पूरे जमाने भर में उधम मचाते रहेंगे, पूरे जमाने भर में खेलेंगे। ये तो अश्नीर ने जैसे शार्क टैंक में कहा है, ये सब दोगलापन है कि नहीं। तो अपने तो आप तो मेरी दुकान बंद करा के मानोगे यार, सबको बता दूंगी, सब बनाने लगेंगे। आपने पहले ही मेरा भांडा तो फोड़ दिया है कि मैं किसी को इमिटेट वगैरह तो कर ही नहीं सकती हूँ, कोई मिमिक्री नहीं, कुछ कुछ टैलेंट नहीं है, पर मैं ना बहुत ऑब्जर्वेशनल हूँ, तो मतलब आप अगर मुझे देखेंगे
अक्सर इन लाइफ ऑल्सो, तो मैं बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करती रहती हूँ आसपास क्या चल रहा है, घूमते फिरते लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर रहती है। तो जब ये कॉन्टेंट इंडस्ट्री थोड़ा बन रहा था, लोग वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू कर रहे थे, और मेरा तो मैंने तो पैंडमिक जब शुरू हुआ था तब शुरू किया था क्योंकि कुछ और काम नहीं था करने के लिए, तो मैंने कहा यार ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में लेके बैठी हूँ, उसको डंप करो यार, कहीं निकालो ताकि कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बने। तो सारा जो भी ऑब्जर्वेशन था मेरा हल्का हल्का करके मैंने देखा कि क्या चीज़ें हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे डेटिंग, ऑफिस, पैसे कम होना या फिर कोविड, इन सब चीज़ों पे बड़े लोग यू नो जोक्स बना रहे थे, तो मेरे पास भी इस तरह के कई ऑब्जर्वेशन थे। तो उनको मैंने अपनी जो मेरे इंदौर की जो भाषा है, इंदौर में जिस तरह से लोग बात करते हैं, जो इंदौर में शब्द यूज़ होते हैं, जिस तरह जो लहजा है इंदौर में बात करने का, उसको उसमें क्लब करके मैंने अपने सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो एकदम पूरे प्योर इंदौरी, प्योर इंदौरी जैसे इंदौर में बोलते हैं, उसमें वीडियोज़ बनाना शुरू किए, और लोगों को पसंद आए वो वीडियोज़, तो फिर मैंने और वीडियोस बनाए, तो अब बस बन रहे हैं वीडियो। वाह, गोल्ड जीत गया लड़का, बताओ अपने देश के लिए अपने मां-बाप का क्या नाम रोशन किया है यार। एक अपनी औलादें हैं, सारा दिन छाती पर मूंग दलने के अलावा कहीं नहीं करती, मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। लोगों की औलादें दुनिया जान में नाम रोशन कर रही है और हमारी औलादें खा खा के मोटी हो रही है बस। मुझे लगता है कि यार टीवी पे आने की तो हर इंसान की चाहत होती है, मतलब चाहे वो कॉमेडियन हो चाहे ना हो, हर इंसान चाहता है यार कि किसी ना किसी तरह से हम टीवी पे आ जाए। पर मेरे घर वाले तो ये तो उनका जो है बकेट लिस्ट में से आइटम पहले ही टेक हो चुका है, क्योंकि मैं एक्चुअली टीवी पर आ चुकी हूँ कई बार, तो उनका वो टीवी वाला अब शौक पूरा हो गया है। तो अब मैं जो हूँ, अब मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर अपनी जगह बना रही हूँ, तो देखते हैं। मतलब टीवी पे आने की तो इच्छा सबकी होती है यार, मेरी भी है कि यार कुछ बेहतरीन हो जाए तो टीवी पे आए। मुझे एक हेम का सीन याद है, उसमें गोपी बहू का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और वो लेटी रहती है हॉस्पिटल में, तो अहम उसको उठाने के लिए कि जाग जाओ बोलता है, गोपी उठो उठो और मेरे लिए ग्रीन टी बनाओ, गोपी तुमने कैसी ग्रीन टी बनाई, उठो उठो। जैसे अब कई शोज आ भी रहे हैं, अनुपमा है जैसे, उसमें रिसेंटली मैंने देखा कि कई सारी चीज़ों को बड़ा सेंसिटिविटीज के साथ वो डील कर रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर विमेन एम्पावरमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ऑफकोर्स कई फ्लॉज हर चीज़ में रहते हैं, बट या मतलब उन लोग का थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं वो, तो ये जो पुराने बहू सास और ये सब शोज आते थे इनमें तो मेरा बिलीफ कुछ बचा नहीं है। मतलब बचपन में हमने देखा है बड़े होते हुए, ऐसा नहीं है, हम भी वक्त के साथ ही सीखे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।